सब्सक्राइब कीजिए स्वाद दिल्ली बाय मेहराब को और बेल आइकन दबाइए। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की हमारी रेसिपी है चौमीन की। सबको पसंद आती है चौमीन और बच्चों की भी काफ़ी फेवरेट होती है। बहुत से बच्चों की फरमाइश थी कि मैं चौमीन की रेसिपी अपलोड करूं। काफ़ी दिन से बना नहीं पा रही थी, तो अब मैं आपको चौमीन की रेसिपी देने जा रही हूं। इसमें कुछ ख़ास चीज़ें नहीं जाती हैं, बहुत ही कम चीज़ों से ये तैयार हो जाती है। तो आइए सीखते हैं इसका तरीका कि हम इसे कैसे तैयार कर सकते हैं। और इसके जाने वाले कुछ इंग्रेडिएंट्स, 5-6 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, एक छोटा पत्ता गोभी लिया है, एक बड़ी शिमला मिर्च है ये, एक मीडियम साइज़ की है प्याज। मिर्चें तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये कम और ज़्यादा कर सकते हैं। एक नूडल्स का पैकेट लिया है, बहुत ही आसानी से ये मार्केट में मिल जाता है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर बताऊँगी, नूडल्स जब भी आप ख़रीदें बारीक वाले ख़रीदें। ये मैंने मोटे वाले लिए थे, इनका टेस्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बैठा, क्योंकि मोटे मोटे होते हैं, मसाला इसके अंदर आसानी से फील नहीं होता। ये विनेगर लिया है मैंने, टॉप्स कंपनी का। आप सिर्फ विनेगर का ध्यान दें, कंपनी आप जो चाहें यूज़ कर सकती हैं, वाइट विनेगर है ये। एक है सोया सॉस, ये बहुत ज़रूरी होता है चौमीन में, ये भी आप किसी भी कंपनी का ले सकती हैं। फनटॉप का मैंने लिया है और ये टॉप्स का लिया है हमने सॉस, कोई भी कंपनी का। मैं फिर हर बार कहूँगी को आप कोई भी कंपनी का लें, बोतल मेरी खाली हो गई थी, तो बल्कि जो बच्चे लाते हैं चिकन वगैरह उसके साथ भी मिलते हैं ये, तो कुछ पैकेट मेरे बचे हुए रखे थे। मैं एक बर्तन में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, पानी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नूडल्स। और हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, चाउमीन को डालते समय इनको तोड़े नहीं, बस आप गर्म पानी में डालकर ऐसे ही छोड़ दें। जैसे जैसे ये उबलती जाएगी गर्म पानी से, धीरे धीरे अपने आप ही नीचे कूद चली जाएगी। तोड़ने से चाउमीन बहुत छोटी छोटी हो जाएगी, तो नूडल्स खाने में अच्छे भी नहीं लगेंगे। इसी वजह से बस जब देखें सब नीचे कूद हो गए, तब इसे अच्छी तरह एक बार चला दें। फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक, 1 चम्मच नमक का यूज़ किया है मैंने, और थोड़ा सा हम इसमें ऑयल का भी यूज़ करेंगे। ऑयल ज़रूर डालें, उससे नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं। 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल यूज़ किया है इसमें। बस अब इसे उबलने के लिए ऐसे ही छोड़ दें। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगी, आज वीडियो में बहुत ज़्यादा शोर है, क्योंकि बाहर बैठ कर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, उसी वजह से गाड़ियों का शोर है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। इधर हम अपनी सारी सब्जियां कट कर लेंगे जो भी हमने रखी थी। पत्ता गोभी को आप इस तरीके से शेप में काटें ताकि लंबी लंबी ये देखने में भी अच्छी लगे, और ज़्यादातर ठेले वाले या रेस्टोरेंट वाले इसी शेप में काटते हैं। इसी तरीके से हमें शिमला मिर्च भी काटनी है, लेकिन हाँ, नूडल्स का आप बराबर ध्यान रखें, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इधर नूडल्स का ध्यान रखें, क्योंकि अगर ये ज़्यादा गल गए तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, चौमीन खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। और 1-2 बार आप ज़रूर इस तरीके से चेक करें। ये देखिए, नूडल्स बिल्कुल गल चुके हैं, परफेक्ट कुक हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक छलने में सारा पानी रिलीज़ करके रख लेंगे। ये देखिए, ये मैंने रख लिया है, सारा पानी इसका रिलीज़ हो गया है, और ये देखिए बिल्कुल भी एक दूसरे में ये नहीं चिपक रहे हैं। नूडल्स हल्का सा टाइट रखना है, ताकि हम जो मसाले के साथ इसे पकाएं तो बाकी कसर उसमें पूरी हो जाए। साथ ही साथ हम सब्ज़ी काट रहे थे, ये देखिए इस तरीके से ही आपको शिमला मिर्च काटनी है लंबी कतार में, और इसी तरीके से आप प्याज भी लंबी उसमें काट लें शेप में। मिर्च जो आप काटेंगे वो हल्की हल्की सी मोटी मोटी रखें, क्योंकि बारीक मिर्च है ये, बच्चों के अक्सर मुंह में चली जाती है, बस इसका टेस्ट आ जाएगा, बाकी बच्चे इसको निकाल कर फेंक सकते हैं। बारीक काटेंगे तो बच्चे खाने में बहुत परेशान होंगे,
इसी तरीके से आप हल्का सा मोटा मोटा काटें, सिर्फ इसका टेस्ट आ जाए। बड़े तो खा सकते हैं लेकिन छोटे बच्चे के मुंह में अगर आ जाए तो काफ़ी मिर्च लग जाएगी। देखिए इसी तरीके से प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च सब हमने काट दिए। इसके अलावा अगर आप और भी कोई वेजिटेबल जानना चाहें तो डाल सकते हैं। गाजर भी इसमें ऐड की जा सकती है, चुकंदर भी ऐड किया जा सकता है। अब मैंने एक कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दी है, इसमें तकरीबन 50 ग्राम के करीब हम ऑयल लेंगे। चौमिन बना रहे हैं हम 7 से 8 लोगों के लिए, एक एक प्लेट चौमिन बहुत आराम से बन जाएगी। अगर आप एक प्लेट चौमिन बनाएंगे तो उसमें 2 या 3 छोटे चम्मच तेल पड़ेगा, बहुत कम तेल यूज़ होता है इसके अंदर। ऑयल डाल लिया है हमने, जैसा कि आपको बनाया कि हम चौमिन थोड़ी सी ज़्यादा है तो 50 ग्राम के करीब हम इसमें ऑयल लेंगे। ऑयल थोड़ी देर गरम कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें फ़ौरन ही प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम बस 1 मिनट ही पकाएंगे, मतलब हल्की सी हमें सॉफ्ट कर देनी है और उसके बाद में हम इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर लेंगे। थोड़ी देर हम इसको भी पकाएंगे, बस इसको भी हल्का सा सॉफ्ट ही हमें हरी मिर्च को करना है। इस टाइम पे अगर आपकी कोई और वेजिटेबल रखी हो तो उसे ऐड कर सकती हैं, जैसे गाजर, चुकंदर। थोड़ा सा चुकंदर मेरे पास था वो मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। साथ में ऐड करेंगे हम शिमला मिर्च जो हमने काट के रखी थी, और साथ साथ में ही चलाते हुए इसे हल्का सा पकाएंगे। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसी टाइम पर। बस अब हमने थोड़ी देर इसे चला लिया है और काफ़ी हद तक हल्का हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम ऐड कर देंगे इसमें बहुत सारा पत्ता गोभी जो कि हमने काट के रख रखा था। अब हम थोड़ी देर इसको भी चलाते हुए पकाएंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट हमें इसे भी करना है, हमें सब्जियों को सिर्फ सॉफ्ट करना है, मैं बिल्कुल भी इनको गलाना नहीं है, पकाना नहीं है, बस ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तब तक ही हमें इनको चलाते हुए पकाना है। बस अब थोड़ी सी सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं, अब हम डाल देंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच विनेगर भरकर। चौमिन ज़्यादा है तो विनेगर ज़्यादा पड़ेगा, अगर कम है तो आप कम ही डालें। अब डालेंगे हम सोया सॉस 2 बड़े चम्मच। विनेगर से ये डबल ही पड़ता है, जब भी कभी आप चाउमीन बनाएं तो इस बात का ख्याल रखें। विनेगर से तो सिर्फ खट्टापन ही आता है और सोया सॉस चाउमीन पर कलर भी लाता है, तो इसलिए ये डबल पड़ता है। अब इसे हम थोड़ी देर और चलाते हुए पकाएंगे। अब हम डाल देंगे इसमें टमाटो सॉस, इसे भी चलाते हुए थोड़ी देर फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 मिनट लगे हैं हमें इन सारी ही सब्जियों को हल्के हल्के फ्राई करते हुए, और एक एक करके हम इसमें डालते हुए भी गए हैं। अब टाइम है चौमिन को इसमें ऐड करने का। सारी चौमिन जो हमने रख रखी थी इसमें एक साथ हम ऐड करेंगे और बस इसे मिलाते हुए पकाएंगे। इस टाइम पर आपको आँच थोड़ी तेज़ रखनी है और बहुत तेज़ हाथ से इसे चलाते हुए पकाना है। ये देखिए तकरीबन हमें 5 मिनट और हो गए हैं चाउमीन डालने के बाद पकाते हुए। इस टाइम पर आप थोड़ी सी नमक और मिर्च टेस्ट कर सकती हैं, इसका गलने का भी पता लग जाता है कि हमें कितनी चाउमीन गलानी है। अब हम 1/2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे मिर्च। मिर्च आप जितना पसंद करती हैं उतनी ऐड कर सकती हैं, लेकिन ये इतनी बिल्कुल परफेक्ट है। 7-8 जनों के लिए चौमिन बनाई है मैंने, और 1 चम्मच में नमक डाल रही हूँ। नमक का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि ऑलरेडी मैं उबालने के टाइम भी मैं नमक डाल चुकी थी, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपने नमक इसमें ऐड करें। एक बार फिर से हमें थोड़ी देर और चलाना है।
ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुकी है हमारी चाउमीन और तैयार हो गई है खाने के लिए। सारे बच्चे बड़े को सबको बेहद पसंद आती है, बहुत लजीज है ये। और अब आपको बिल्कुल भी इसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं या बाहर जाकर खाएं, तो आप आसानी से अब अपने घर में ही बना सकती हैं। वीडियो मैंने बहुत कम स्किप की है, पूरी 15 मिनट में ये चाउमीन तैयार हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 12 मिनट की वीडियो है तो 2-3 मिनट की भी स्किप हुई हुई है, तो इतना ही टाइम आपको लगेगा। इतनी देर में आप अपने घर में भी अगर आपके पास सारा सामान है तो तैयार कर सकती हैं। बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही अच्छी टेस्टी रेसिपी, अब अपने घर में भी आप तैयार कर सकती हैं। और कुछ भी अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट पर बताएं, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो ऐसी न्यू रेसिपी मैं अक्सर अपने चैनल पर लाती रही हूँ, तो बने रहे मेरे साथ स्वाद दिल्ली बाय मेहराब के साथ ऐसी ही न्यू और टेस्टी रेसिपी के लिए। मिलते हैं दूसरी रेसिपी में, तब तक आप ट्राई करें मेरी ये रेसिपी चाउमीन की और इन्जॉय करें अपनी फुल फैमिली के साथ। दुआओं में याद रखें, जैसे कि रमज़ान आने वाले हैं, आप सब से दुआओं की दरख्वास्त है। बने रहे मेरे साथ स्वाद दिल्ली बाय मेहराब के साथ, अब हमको दीजिए इजाज़त। मिलते हैं ऐसी ही प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए स्वाद दिल्ली बाय मेहराब को और बेल आइकन दबाइए।